सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको आज बताना है। तो देखिए 100% सिलेबस की कवरेज के बाद आप 100% ग्रेड्स की अचीवमेंट किस तरह से कर सकते हैं। 100% सिलेबस की कवरेज के बाद 100% ग्रेड की कवरेज के लिए दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपके पास सिलेबस आपको याद होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे लर्निंग एंड रिटेंशन। कितना ज्यादा आपने याद किया हुआ है और कितना ज्यादा आपने याद रखा हुआ, दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है, लर्निंग एंड रिटेंशन। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है थिंकिंग स्किल्स या एप्लीकेशन। दूसरी चीज क्या है, थिंकिंग स्किल्स या एप्लीकेशन। इन दो चीजों से आपका जो पेपर है, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो, ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, आपको याद होगा उससे पहले भी हमने स्किल्स सेट बनाए थे, अगर वो स्किल सेट पूरे साल के लिए है, अब तक जो स्किल सेट है वो हमारे पास एग्जाम्स की अचीवमेंट के लिए, एग्जाम्स में कितना बेहतर कर सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग टू थिंग्स, आप चाहो राइट नोट डाउन कर लो, दो चीजें दो स्किल्स है, एक हमें चाहिए लर्निंग एंड रिटेंशन, और दूसरी चीज हमें दरकार है कि हम कितना ज्यादा इसको अप्लाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, या सोच सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसको हम नॉर्मल एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो आई थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, और आज की जो हमारी क्लास है, हमारा लेक्चर है आज का, वो डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस को एग्जामिनर ने अब तक कितने तरीकों से पूछा। ठीक है, इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस को एग्जामिनर ने कितने तरीकों से पूछा है, मगर इलास्टिसिटी के क्वेश्चन को करने से पहले आपको इलास्टिसिटी की बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाकर ही आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इलास्टिसिटी के बारे में जो आपका कॉन्टेंट आपके पास था उसे जरा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टेंट में आपके पास आपको क्या क्या चीजें याद रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी, और मैं इसी इलास्टिसिटी को लेकर आपके साथ वो कॉन्टेंट शेयर कर रहा हूँ जो आपने आपके रजिस्टर पे लाजम मौजूद होगा। तो आइए हम इसके कॉन्टेंट पे चलते हैं। जी क्वेश्चंस प्लीज, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो वो प्लीज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, आपको जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपका कोई इशू हो, स्क्रीन ना नजर आ रही है, तो क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है भाषा, तो मैं इसको देखता हूँ कि आवाज क्या हम कर सकते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए। जी नंबर आ,
ऑन आइजल माइक, या उसकी आवाज के बारे में बताओ, आवाज क्लियर है? बेहतर है रबिया, थैंक यू। अच्छा ये आइए फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, इलास्टिसिटी में हमने काम क्या क्या किया हुआ है। तो इलास्टिसिटी में सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करी थी, क्या आप में से कोई याद कर सकता है, याद करवा सकता है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ऑन टू अनदर, इसे आपने कहा था इलास्टिसिटी। इसके बाद आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात की थी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने कहा था इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड एज पर द चेंज इन प्राइस। तो इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला आपके पास था जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा। इसके साथ साथ हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना सीखा था, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सारा काम आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद वैल्यूज ऑफ पी डी हमारे पास थी जो कि 5 थी, और उन वैल्यूज ऑफ पी डी के बाद हमारे पास ग्राफ थे जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी कि इलास्टिक और इनइलास्टिक ग्राफ प्रिसाइसली कैसे होते हैं। के बाद पी एस का कंटेंट हमारे पास था, पी एस में हमारे पास था इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई एज पर द चेंज इन प्राइस। इसके साथ साथ हमारे पास का फार्मूला, इसकी वैल्यूज और इसके ग्राफ्स थे, और अगर आपको याद हो तो हमने कॉलम वाइज काम किया था वैल्यूज ऑफ पी डी के ग्राफ्स पे और वैल्यूज ऑफ पी एस के ग्राफ में। हर एक की इंफॉर्मेशन आपके पास 5 थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलास्टिक डिमांड की इंफॉर्मेशन को आपसे रिकॉल करूँ तो आपके पास एक थी उसकी वैल्यू, इलास्टिक डिमांड पीईडी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसे आप कहते हो इलास्टिक डिमांड। इसके बाद आपने इसका बनाया था ग्राफ, इसकी आपने लिखी थी डेफिनेशन कि स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्ज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और उसी को आपने कॉलम वाइज 5ों वैल्यूज पर अप्लाई किया था। उसकी एग्जाम्पल थी, उसका रिलेशन विद टी आर एंड टी ई था। सिमिलरली आपने पी एस के साथ काम किया था, पी एस में आपने डेफिनेशन लिखी थी, और जो उसी कॉलम में आपके पास 5 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन थी तो वैल्यूज ऑफ पी एस आपके पास 5 थी, उसी के हिसाब से ग्राफ्स थे। आई होप आपको यहाँ तक की बातें याद आ चुकी होंगी। इसके बाद आपने कुछ काम किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग पी ई डी आपने पढ़ा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग पी ई एस आपने पढ़ा था। मैं आपके साथ एक क्विक रिव्यू शेयर कर लेता हूँ, और ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग पी ई डी। तो आपके पास कोई 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पी ई डी कहलाते हैं। इसमें टाइम पीरियड के हवाले से हमने बात की थी, हमने नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स के हवाले से बात की थी, हमने डिग्री ऑफ नेसेसिटी के हवाले से बात की थी, हमने ड्यूरेबिलिटी के हवाले से बात की थी, और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के हवाले से बात की थी। आई होप आपको यहाँ तक याद आ चुका होगा। इसके अलावा जो हमने बातें डिस्कस की थी उसमें था रिलेशनशिप विद टी आर एंड टी ई। कोशिश करें कि आपको ये बात याद रहे, अगर आपको नहीं याद इसका मतलब है हमारी रिपोर्टमेंट या हमारे रिविजन बेहतर नहीं है। अभी हमारे पास मॉक एग्जाम्स हुए हैं और उसके बाद आज हम बैठे हैं रिवीजन के लिए और कुछ क्वेश्चंस के लिए, और उनमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इलास्टिसिटी के। तो इसमें भी आपको बताया गया था रिलेशनशिप विद टी आर एंड टी ई, उसके साथ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट था वो आपको बताया था, और फिर आपने स्ट्रेट लाइन पी ई डी एंड इट्स रिलेशन विद टी आर के ग्राफ को ड्रॉ किया था इस तरह से। आई होप को आपको ये बातें भी याद आ गई होंगी कि हमने स्ट्रेट लाइन डिमांड पर बनाया था, मिड पॉइंट पर आपने पी डी की वैल्यू 1 लिखी थी, इसके ऊपर की जो रेंज थी उसमें आपके पास पी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही थी, और उसके बाद पी डी की वैल्यू इनफाइनाइट थी, और एक तरफ पी डी की वैल्यू इन इलास्टिक थी और एक तरफ पी डी की वैल्यू 0 थी। और ये ग्राफ के जरिए भी हमने, सॉरी शेड्यूल के जरिए भी हमने बात को समझा था कि जहाँ कहीं पी डी की वैल्यू 1 होगी वहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ये बातें भी आपने पढ़ रखी थी। तो ये तो था कुछ इलास्टिसिटी का रिव्यू, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन यार एग्जाम्स तक पहुँचने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपकी लर्निंग स्किल्स होने चाहिए, लिख लें चाहे तो लिख लें, लर्निंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी रिटेंशन होनी चाहिए। सही है, अगर आपने याद रखा, याद किया और याद रखा, एक बात हो गई, और इसके साथ साथ अगर आपके थिंकिंग स्किल्स हैं या इसे आप एप्लीकेशन कहते हैं, अगर आप अप्लाई अप्लाई कर पाए या आपकी थिंकिंग स्किल्स बेहतर रहे तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस अब हमारे साथ आ रहे हैं। आपको याद होगा कि आपके साथ 33 क्वेश्चंस इलास्टिसिटी के मैंने शेयर किए थे, 33 क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो कुछ 35 क्वेश्चंस आपके पास हैं पार्ट ए या पार्ट बी के हवाले से। मैं मजीद कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा, मगर उससे पहले आपको बताना बड़ा जरूरी है कि इलास्टिसिटी को एग्जामिनर ने जब पूछा है कोई पिछले 25 सालों में या 27 सालों में, मैं बात कर रहा हूँ 95 से, ये आप में से बहुत से लोग मौजूद नहीं थे, 95 से लेकर आज 2021 तक जो पेपर्स हुए हैं उनमें किस किस तरह से एग्जामिनर ने इलास्टिसिटी के टॉपिक को पूछा है, आइए उसको डिस्कस करते हैं।
ओके कैटेगरी आपके पास आ रही है एंड आई वुड लाइक कि आप इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को या तो नोट कर लें या तो पिक्चर खींच लें या जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो फटाफट नोट कर लें। जब तक मैं आपकी कोई क्यूरी जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसको आंसर करता हूँ, इस चीज़ को अपने पास नोट कर लें। अगेन वो बच्चे जो अभी भी स्नैप या तस्वीरें खींचने में लगे हुए, ऐसा ना तस्वीर रह जाए, मोबाइल कोई ले जाए, डेटा आपका चला जाए, बेहतर है कि भाई अपने रजिस्टर में काम कर लें। इस किस्म की बातें हमने अब से पहले नहीं करी। एक मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट कर लें। खाली फैसल आवाज बेहतर हो गई अब। ओके जी, टॉपिक आपके पास है इलास्टिसिटी का। ये वो कैटेगरीज हैं जो आपसे मैंने शेयर करी, कोई 22 से 25 से 25 से 27 साल, 95 से आप लगा लें तो 5 साल वहाँ पर हो गए और 21 साल कुछ यहाँ पे हो गए, तो कुछ 26 साल लगभग हमारे पास को डाटा है जिसमें जो कैटेगरी आपसे पूछी गई है इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस को लेकर वो कुछ इस तरह से है। नंबर वन पर हमारे पास है PED, YED, XED, PS। सर को फॉलो करिएगा। PED का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, YED का मतलब आपको मालूम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, XED का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और PES का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कैटेगरी क्वेश्चन में नंबर वन की हम बात करते हैं तो इसमें यूजफुलनेस पूछी गई है। यूजफुलनेस है, लिमिटेशंस हैं या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस हो PED, YED, XED या PES की, या इसकी यूजेस हो या उसकी इम्पॉर्टेंस हो, ये सब यहाँ पर एक कैटेगरी में हमने इसको रखा है। तो यूजफुलनेस हो गई, इसके अलावा लिमिटेशंस हो गई। या आपको याद होगा मैंने अगले कुछ नोट्स आपको दिए थे जिसमें 3 से 4 पेजेस में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और आपने अपने रिसर्च में इसको नोट भी किया था। तो ये पहले कैटेगरी हो गई। आई होप कि आप अब तक लिख चुके हैं या आपके पास ये तस्वीरें मौजूद हैं। यूजफुलनेस अप्लाइड टू डिफरेंट बिजनेस, एक तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके नोट्स में यानी कि आपके रिसर्च में यानी कि जो आपने काम किया है उसमें मौजूद है कि आपने यूजफुलनेस लिखी है तो वो आपके पास अवेलेबल है। सेकंड बात, इसी की जो सेकंड कैटेगरी आती है थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है एग्जामिनर और उसमें पूछता है कि भाई इसको अप्लाई करो, सिग्निफिकेंस को अप्लाई करो, कहाँ पर अप्लाई करो, डिफरेंट बिजनेस पे, ठीक है। तो ये कैटेगरी आ गई, तो दो क्वेश्चन यानी कि दो कैटेगरी आपने बना ली। तीसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल, इंफीरियर, गुड, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो आपको याद होगा कि आपने YED के हवाले से कुछ बातें पढ़ी थी, फिर आपने XED में कुछ सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से बातें पढ़ी थी, तो वो चीज़ें भी आपको याद होंगी। आई होप तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, आपको बातें रिकॉल हो रही हैं। नंबर फोर्थ कैटेगरी जो हमने बनाई है PED, YED विद रेफरेंस टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी, और आज की क्लास में ऐसी कैटेगरी 4 को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो PED YED विद रेफरेंस टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके पास लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टैक्सेशन के हवाले से, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सही, और इसके साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सब्सिडी के हवाले से। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी तब आप आज की इस क्लास को या इसमें करे जाने वाले क्वेश्चन को आप समझ सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि कैटेगरी 5, चेंज इन PED YED बाय अ फर्म एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इसमें मैं मजीद आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली इसका मतलब यह है कि भाई ये PED और YED में क्या चेंज आ सकता है, तो आपको मालूम है कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग PED है वो ऑब्वियसली यहाँ तक तो आपको सपोर्ट करेगा कि PED के जो फैक्टर्स होते हैं वो PED में चेंज आ सकते हैं, जो PES के फैक्टर्स होते हैं वो PES में चेंज ला सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अप टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि बिजनेस के पास कितना मार्जिन है, क्या उसके पास पॉलिसीज हैं, क्या उसके पास इख्तियार है कि वो इस बात को PED को YED को XED को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस हद तक, इसे कहते हैं तो अप टू व्हाट एक्सटेंट। आई होप कि आप बात यहां तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि कैटेगरी 6 की हम बात करते हैं तो PED PES विद रेफरेंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट, इसका भी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, करवाऊंगा, आपके साथ मिलकर बात करेंगे। और कैटेगरी 7 हमने बनाई है फैक्टर्स अफेक्टिंग PED PES, तो आपके सामने कुछ बातें यहाँ पर आ रही हैं सर जो हमें याद हैं, जो हमारी या तो लर्निंग का पार्ट है या तो हमारी रिटेंशन का पार्ट है। तो हम एग्जाम्स में जब जाएंगे, जब हमारे पास 3 क्वेश्चन हमें नजर आएंगे सेक्शन बी से, तो हम ये बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें लेक्चर से हमें याद हैं, जो हमारी जहन में महफूज हैं, और एग्जाम्स में बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए
आप आराम से उस क्वेश्चन को तेजी के साथ कर सकते हैं, काम कंप्लीट कर सकते हो। आप अभी मॉक देख कर बाहर आ रहे हो, आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे बच्चे इस बात को रियलाइज करेंगे, इसे हमें आता था हम लिख नहीं पाए, या जितना हमें आता था हम उतना नहीं लिख पाए, या हुआ ये कि हमने जब लिखना स्टार्ट किया तब हमें बातें आना शुरू हुई, यानी कि जिसको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है वो आना शुरू, तब तक टाइम हो चुका था। तो भाई इन सारी बातों का जो आपने काम करना है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो इसी इन्हीं क्लासेस पर हैं। तो प्लीज़ इन क्लासेस को अच्छे तरीके से फॉलो आपने करना है, और जो टाइम मैंने आपके साथ सेट किया है उस टाइम पर आपने डॉट मौजूद रहना है, ठीक है, मुझसे पहले से। अच्छा जी, तो ये तो कैटेगरीज बन गई। अब हम आज कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं भाई, किसी को याद है? अब से मैंने दो मिनट पहले कहा था हम आज कौन सी कैटेगरी क्वेश्चन करेंगे, कैटेगरी फोर। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी फोर। कैटेगरी फोर हमारे पास आ रही है, पॉइंटर्स को फॉलो करिएगा। पीईडी वाईईडी विद रेफरेंस टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और फिर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और ये सारी चीजें आपके पास इस तरह से पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। आइए कैटेगरी फोर के क्वेश्चन को देखते हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैटेगरी फोर का मतलब जो आपने अभी कैटेगरीज बनाई थी उनमें से कैटेगरी फोर का एक क्वेश्चन है, दिसंबर 2001। तो जनाब कौन कौन दिसंबर 2001 में जनिया मौजूद था, रेज योर हैंड। मैं तो मौजूद था जी। आप में से कोई? बहुत सारे बच्चे आपने 2004 में यहाँ पर दुनिया में तशरीफ लाए थे, ठीक है, बाकी सब जन्नत में थे। अच्छा जी, तो कैटेगरी फोर भाई रिस्पॉन्ड कभी कभी कर ले करें ऑनलाइन क्लासेज में, बोरियत हो जाती है, और देखो टीचर बात कर रहा है, बच्चे अपना लगे हुए हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कैटेगरी फोर, अ गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंक्रीज द टैक्स ऑन पेट्रोल। प्रपोज करने का मतलब है गवर्नमेंट तजवीज़ कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है, करना चाह रही है। अ गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंक्रीज द टैक्स ऑन पेट्रोल, एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for this proposal. इसको पहले समझा देते हैं, इसको वैसे कहते हैं उर्दू का तर्जुमा, मगर कुछ बच्चे कैसे समझाएं तो उर्दू का तर्जुमा ही होता है। इसमें हो ये रहा है कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो चीज़ों के हवाले से पूछा जा रहा है, पीईडी के हवाले से और वाईडी के हवाले से, कि आप इसे बताएं क्या इसमें इस तरह से ये अप्लाई होगा और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये पूरे क्वेश्चन में चीज़ें आ रही हैं। क्वेश्चन में हम बात करेंगे दिसंबर 2001, क्वेश्चन नंबर टू। आई होप स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, और गिवन एक तरफ एक चीज़ होती है और आस्किंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो जो मैं आपके साथ बात करूंगा उसमें गिवन और आस्किंग का मतलब होगा कि एक तरफ तो एग्जामिनर ने कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करी है और कुछ चीज़ें आपसे पूछी हैं। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ें एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसको इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है, और कुछ चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है।
जी सॉरी, आज हो सकता है भाई, कभी कभी हो जाती है जूम के साथ, कभी कभी मसले मसाइल हो जाते हैं। आई होप कि आवाज अब बेहतर है और शायद इको हो रहा हो, बट आई डाउट कि सिंस आई कैन नॉट हियर माई वॉइस, जो कि आइजल ने कहा था गुड, तो बेहतर होगी। सही है, थैंक यू आइजल। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, कैटेगरी 4 हमारे पास है। आपका क्या टास्क है? सबसे पहले तो आपको ये अपने जहन में रखना है कि सर इलास्टिसिटी को लेकर किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 6 कैटेगरीज बनाई हैं, उनमें से एक कैटेगरी को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आपने क्या काम करना है, आपने इसके पॉइंटर्स को और उसके इसके क्वेश्चन को करके रखना है। किस तरह करके रखना है, जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, फिर आपने मुझे बताना है कि सर कम से कम टाइम मेरा कितना रहा, यानी कि मैंने कितनी तेजी के साथ पार्ट बी को अटेंड किया। आइडियल टाइम हमारे पास होता है 30 से 35 मिनट्स पार्ट बी को करने के लिए। सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करोगे पार्ट ए के लिए, आपको हमेशा बताया 20 मिनट्स का टाइम होता है, और पार्ट बी को अटेंड करने के लिए आपके पास होते हैं कोई 30 से 35 मिनट, सेफ साइड 40 मिनट होते हैं। बट जितना बेहतर आप आज कर सकोगे, उतना आपको अश्योरेंस होगी कि आप एग्जाम्स में सीआई में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो अब ये आपका टास्क है, अगर आप चाहते हैं कि रमजान का ये महीना या एग्जाम्स तक आप कुछ तैयारी कर सकें, तो साथ साथ रहिएगा आज के आज इस क्वेश्चन को करके अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। इसकी पहले आपने पिक्चर खींचनी होगी, फिर आपने इसकी पीडीएफ बनानी होगी, और फिर अपने नाम के साथ इसको आपने शेयर कर देना होगा। टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपके साथ पूछूंगा कोई क्वेश्चन हो प्लीज ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिएगा। इसके आंसर इधर बढ़ते हैं, और हमने प्रपोज किया पेट्रोल इज अ नॉर्मल गुड। आपको कैटेगरी याद होगी, मैंने आपको लिखवाया था जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एन आंसर, जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एन आंसर। तो मैं अपने लिप्स के साथ बात कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि मैं कह क्या रहा हूं। नंबर वन पे था, फॉलो किया इंट्रोडक्शन मैंने कहा। नंबर सेकंड पे भाई, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर रहे, आपके जो तरीके हैं अगर आप उतने बेहतर होते तो आप मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब फॉलो कर लें। दो बात मैंने बता दी, इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल। नंबर थर्ड पे क्या है, एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल में आपने डायग्राम बनानी होती है, और एक्सप्लेनेशन में आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ करना होता है, अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ किया है तो। उसके बाद नंबर फोर्थ पे क्या था, एनालिसिस, एनालिसिस था। और नंबर फिफ्थ पे क्या था, इवैल्यूएशन। तो भाई ये सारी बातें आपने याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो ट्रस्ट मी दुनिया जाए। एक तरफ सभी कह रहे हैं कि आपको याद रखना है तो याद रखना है। तो आपकी ये 5 बातें थी जो हमने जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड आंसर में लिखनी थी, और आज उसको हम अप्लाई कर रहे हैं 12 मार्क्स के लिए। तो पार्ट ए में जो सॉरी पार्ट बी का जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इज अ नॉर्मल गुड एंड इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ऑल्सो यूजली प्राइस इन इलास्टिक, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बात को करना पड़ता है, इसमें अभी हम डाउट में हैं, और ये नहीं कह सकते कि सर ये तो दोनों बातें हो सकती हैं, इन इलास्टिक भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है। हमने कहीं ना कहीं तो अपने आंसर को फ्रेम करना है, तो हम इस अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि पेट्रोल इज अ नॉर्मल गुड, और इसे हम आज कंपोज करने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करने जा रहे हैं। पेट्रोल इज अ नॉर्मल गुड इन मोस्ट कंट्रीज एंड इट इज ऑल्सो यूजली प्राइस इन इलास्टिक। Petrol is a great importance because it is a major source of power for modern vehicles. As such, as income rises, more people will demand for it due to the increase in demand for vehicle. Normal good, अगर आपको याद हो, normal good, वो बच्चे जो मेरे साथ साथ चले, normal good ने बताया दो बातें होती हैं, किसी भी good की consumption, demand या quantity demand में इजाफा इस वजह से, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको रिवाइज कराता रहूं। थस वी कैन से दैट द डिमांड फॉर पेट्रोल इज अ ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड आपने काम किया था, डिमांड फॉर वन डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर अनदर। नहीं यार, तो आज लिख लें, इसकी रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। तैयारी आपने करनी है, मैंने नहीं करनी, मैं बेहतर लग रहा हूँ आज। आपने तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की, तो कोशिश करें कि अच्छे से तैयारी कर लें। हमें सिर्फ फील लाइक होता है कि हमने तैयारी करी है, ट्रस्ट नहीं, हम कहीं भी नहीं होते। हम कभी कभी 100% सिलेबस कर लेते हैं, सवाल हमारे सामने आता है और हमें लगता है कि कुछ भी हमें नहीं आता। तो प्लीज इसको मेक श्योर करें कि साथ साथ रहें, तैयारी कर लीजिएगा। पेट्रोल इज यूजली प्राइस इन इलास्टिक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड एंड वायबल सब्सटीट्यूट्स। तो जिस गुड के सब्सटीट्यूट्स नहीं होते उसे हम इन इलास्टिक कह सकते हैं।
अब कुछ बातें जनरल एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं सोलर पावर्ड व्हीकल्स आर बीइंग यूज्ड टू सम एक्सटेंट, आप सोलर के बजाय इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई गाड़ी की बात भी आप कर सकते हैं, टेस्ला के हवाले से बात कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो बात यहाँ लिखी हुई है उसी को आप फॉलो करें। एंड बायो पेट्रोल, वो पेट्रोल जो जो ऑर्गेनिक गुड से बन रहा हो उसे बायो पेट्रोल कहा जाता है, जरूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ये तो उस पर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से कितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, इसके बाद है, ठीक है। मेड फ्रॉम नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स आर ऑल्सो बींग इन्वेस्टेड एंड टेस्टेड, स्टिल देयर यूज इज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड स्टिल इन द बिगिनिंग स्टेजेस, एज सच पेट्रोल इज बाय फार द मेजर फ्यूल यूज टूडे। अब आपने इसमें जो पॉइंट मेक किया है, जो पॉइंट आपने बिल्ड किया है, उसमें आपने बताने की कोशिश करी है कि पेट्रोल एक नॉर्मल गुड है। अब कुछ बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं और अब तक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो चांटा पढ़ना चाहिए उनको, भाई लेंथ में कुछ नहीं होती, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एलैबोरेट करने होते हैं। अब हो सकता है ये पूरा इंट्रोडक्शन जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन था वो आप में से कुछ बच्चे एक मिनट में लिख लें, आप में से कुछ बच्चे आधे मिनट में लिख लें, और आप में से कुछ बच्चे लिख ही ना पाए, तो भाई ये तो आपकी राइटिंग स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा टेक्स्ट को कितने कम टाइम में लिख सकते हो। बात ही हो रही है कि वो पॉइंट पहले आप एस्टैब्लिश करना सीखें और उसके लिए लिखना स्टार्ट करें। हम में से बहुत सारे बच्चे काम नहीं करते हैं, क्वेश्चन को करते नहीं है, और बगैर काम किए हुए यानी क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए टाइम को नोट किए हुए एग्जाम्स में चले जाते हैं और वहां उनसे कुछ भी नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो पैराग्राफ वन में किसी का कोई क्वेश्चन यस लिख दें, अगर आपने पैराग्राफ वन को समझ लिया, हम जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग के हिसाब से हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब तक यस किसी के पास से नहीं आया, किसी ग्रुप में यस नहीं आया, ओके, इंट्रोडक्शन हमें क्लियर है। अब यहां पर ये बहस नहीं है कि सर ये सारी बातें लिखें, हम कुछ लिखें, हम ज्यादा लिखें, हमें तो ये भी आता है भाई जो आपको आ रहा है आप लिखें। हमने एक जनरल पैटर्न डिस्कस कर लिया है, आप इसमें से जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं, उसे हजम करें और उसके बाद आज के आज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ नंबर टू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट एज इट विल शो द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू द टैक्स will have on the quantity supplied and demanded as well as on revenue. बहुत सारी terms आ रही हैं, तो I hope कि आप इन सबसे familiar हो गए। Tax किसे कहा जाता है, tax का मतलब क्या है, tax में direct tax पढ़ा था, tax में indirect tax पढ़ा था, tax में आपने specific tax पढ़ा था, tax में आपने ad valorem tax पढ़ा था, tax में आपने nature of taxation पढ़ी थी, इसमें आपने progressive, regressive, proportion, बस करने, हाँ मैं तो बस कर दूंगा, आपको याद आना चाहिए। अगर एग्जाम्स के दिन आपको याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके रिटेंशन, जब आप रिकॉल करना चाह रहे हो इन्फॉर्मेशन को, वो नहीं है, और इसके लिए आपने क्या करना है, एक रजिस्टर पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको आपने मेक श्योर करना है, सही है। अब मैं इसको कंसाइज करता हूँ, सब चीज़ें तो नहीं पूछी गई हैं, कुछ रेलिवेंसी थी इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, उस पर हम आज बात करेंगे, स्पेशली ग्राफ्स। तो यहां तक हमने बात करी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट एज इट विल शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू द टैक्स विल हैव ऑन द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू भी आपको बताया था कि प्रॉफिट अलग होता है, प्रॉफिट की इक्वेशन होती है टी आर माइनस टी सी, और रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। भाई याद कर लो, टाइम है अभी भी। द डायग्राम बिलो शोज व्हाट हैपेंस When a specific tax, तो specific tax में supply curve पर अगर tax लग रहा है, supply पर tax लग रहा है, तो parallel backward shift होती है या unparallel? Food for thought। आप भाई group में communicate कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को answer आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो रही है इसके साथ साथ, तो आप respond कर सकते हैं, otherwise अफ्तार में तो काफी time है, ठीक है। तो द डायग्राम बिलो शोज व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पेसिफिक टैक्स ऑफ एबी इज प्लेस ऑन पेट्रोल। पेट्रोल का आपने नाम लिख लिया, सप्लाई कर्व को आपने बैकवर्ड शो किया। आई होप कि आप सबको डायग्राम आती है, नहीं आती तो कहीं नोट कर लीजिएगा। इंडिविजुअली आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये डायग्राम भूल गए, मैं कहीं ना कहीं रिविजन में, रिविजन वाले टॉपिक्स में इसको दोबारा से करा दूंगा। अभी आपको इतना मालूम होना चाहिए जब टैक्स सप्लाई पर गिरेगा तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बातें हमने कब कब पढ़ी थी, नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में पढ़ी थी, और यूनिट थ्री में हमने बात की थी जहां पर हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस सिस्टम में इसको समझा था। तो एस वन से एस टू सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ये जो एरिया ए से बी है, इसकी क्या मुझे कोई डेफिनेशन बता सकता है, जो ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ टैक्स आपने लिखी थी, द वर्टिकल डिस्टेंस
फ्रॉम द न्यू सप्लाई कर्व टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, सेम यहाँ पर बात हो रही है, ए से लेकर बी तक टेक्स्ट का एरिया है और जो लाइन यानी कि मार्क जो चीजें हैं ये आपको बताते हैं टेक्स्ट का एरिया। तो प्राइसेस बढ़ गई P1 से P2, मार्केट प्राइस पहले थी P1, बढ़कर यानी कि इजाफे के साथ P2 में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप कि आप यहां तक साथ साथ चल रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गई। अब थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन लाजमी होती है, इंटरप्रिटेशन बहुत सारे जो पाकिस्तानी बच्चे वो क्या करते हैं, वो भाई डायग्राम बना दी, इससे ज्यादा मेहरबानी नहीं कर सकते आपको, एग्जामिनर को आप कहते हो भाई डायग्राम बना दी, नहीं 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 नहीं, आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। इसका मतलब जो आपने डायग्राम पे काम किया है, जो आपने लेबलिंग करी है, S1 लिखा है, S2 लिखा है, Y एक्सिस पे प्राइस लिखा है, उसके नीचे खूबसूरत सा डॉलर बना दें, आज 185 को भी शायद क्रॉस कर चुका है, क्वांटिटी आपने X एक्सिस पे लिखनी है, Q1 Q2 लिखना है और एरिया AB लिखना है। इसके अलावा मैंने कुछ बातें आपको लिखवाई थी, जरूरी सब लिखें, अभी सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, बातें आपको सारी याद होनी चाहिए। इसी को आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम S1 टू S2, दिस विल रेज प्राइसेस फ्रॉम P1 टू P2 एंड रिड्यूस द क्वांटिटी फ्रॉम Q1 टू Q2 सिंस द पीरियड इज इनलास्टिक, द इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज अ लेस देन प्रोपोर्शनेट फॉल इन क्वांटिटी डिमांड इफ द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार यूसेज which is reflected in the quantity demanded of petrol, then a large amount of taxation is necessary to have a significant impact on the amount of car usage. So, kuch baatein humne graph ke hawale se ki isko interpretation kaha gaya aur government ko aapne iske sath connect kar diya. Sawal agar aap bhule nahi ho, to government propose kar rahi hai, kya kar rahi hai, propose kar rahi hai, ji ji propose kar rahi hai, ye tax ke hawale se baat ho rahi hai, theek hai, abhi eid mein kaafi time baki hai, aate hain next paragraph ki taraf. The shaded area shows the tax revenue. ये आपको बताया गवर्नमेंट के रेवेन्यू शेड एरिया के जरिए आपने शो किया। मैं दोबारा से डायग्राम आपके साथ रख देता हूँ, ये वो डायग्राम थी। इसके बाद आपने डिस्कस किया द मोर इनलास्टिक पीडी द ग्रेटर विल बी द रेवेन्यू बी, दिस इज बिकॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन अ लेस देन प्रोपोर्शनेट फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, थस इफ द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रेज रेवेन्यू दिस एम विल बी मेट सिंस द डिमांड इज प्राइस इनलास्टिक। यहां तक बातें समझ में आ गई तो यस लिख दीजिएगा ग्रुप में। जी रबिया जावेद अलहमदुल्लाह रोजा है। लास्ट पॉइंट मतलब यू मीन लास्ट पैराग्राफ आइज इट, अच्छा मैं क्या लेता हूँ लास्ट पॉइंट मतलब आप आई होप कि आप यहाँ पर होंगे। देखिए आपने इसी जो डायग्राम है इसी को आपने बनाया है, डायग्राम में जो एरियाज है यहाँ तो कम है, मैंने इसके अलावा इससे ज्यादा एरियाज मार्क किए अगर आपको याद आ रहा हो तो, आप इस एरिया को जो लिखोगे ना यानी कि डायग्राम की जो लेबलिंग है उसे जो आप लिख रहे हो, जो लेटर्स हैं AB S1 S2 P1 P2 इसी को आप इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। और इसके बाद वो आपने पुरानी इंफॉर्मेशन कि भाई आपके पास अगर PD इनइलास्टिक है तो रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, PD इलास्टिक है तो रेवेन्यू क्या हो सकता है, वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन पहले की थी अगर आपको याद है तो वो यही सारी बातें उन्होंने घुमा फिरा कर यहाँ पर कर दी हैं। अब मैं आता हूँ अगले, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके क्वेश्चन को नहीं कर रहा तो फिर आप इंडिविजुअल चैट पर मुझे बता देना, मैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एड्रेस कर दूंगा, अभी नहीं तो क्लास की बात कर दूंगा मैं जरूर आपको कर दूंगा। द पीडी ऑफ पेट्रोल इज ऑल्सो रेलिवेंट, क्योंकि रेलिवेंट के हवाले से बात हुई थी, वर्ड आया था रेलिवेंसी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन पे और जरा इंपॉर्टेंट बातें समझ लें। हर एक क्वेश्चन में कुछ बातें होती, एक होता है कमांड वर्ड, अब जो आपको नजर आएगा डिस्कस के साथ नजर आएगा, एक्सप्लेन के साथ नजर आएगा, एनालाइज के साथ नजर आएगा, इवेल्युएट के साथ नजर आएगा, इसे कहते हैं कमांड वर्ड। जो कमांड वर्ड होता है और जो मार्क्स होते हैं ये लेंथ वो शो कर रहे होते हैं कि आपने कितना इसमें कुछ लिखना है, ठीक है कितना लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन कितनी लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लाइन से मुराद ये नहीं है। तो कमांड वर्ड एक चीज होती है, दूसरी चीज होती है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, रेलिवेंस का मतलब है कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर वो हमने PD के बारे में लिख दिया, हमने सर YD के बारे में लिख दिया, वो खुदा के वास्ते यार आपने उस क्वेश्चन में जो बातें लिखी हैं, जो एग्जामिनर ने पूछी हैं, जिसे हमने कहा है गिवन और आस्किंग, गिवन का मतलब दी गई हुई है स्टेटमेंट में और आस्किंग का मतलब एग्जामिनर जो आपसे पूछी हैं,
आप लाजमी उस पर एहसान करो, उसको बताओ कि भाई ये आपने पूछा था, रेलिवेंसी के बारे में पूछा था, ये लो रेलिवेंसी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको रिलेट करना सीखो। वो जो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में रखे हैं उन्हीं को आप दोबारा से कहने के इस्तेमाल करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई जो मैंने पूछा है उसका मुझे आंसर मिला। ठीक हो गई बात? जो ए ग्रेड चाहते हैं वो सारी बातें आई होप के नोट कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले नहीं पता थी नोट कर लें, और अगर अल्लाह ने आपको खुदादाद सलाहियतें दी हैं जिसमें आपको याद रहता है, इसमें आपको याद रहता है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मगर आई होप ये बच्चे समझदार हैं, वो लिख लेते हैं। हमने पूरे साल मेहनत करी है कि हम लिख कर हर बातें नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में। मैं आगे बढ़ता हूँ और आता हूँ जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैराग्राफ में चीजें सामने आ गई, द रिलेटिव इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमाइन whether the burden of the tax will fall mainly on the consumers or on the producers. If the demand is more price inelastic than supply, do cheezon ko aapas mein relate karwa rahe hain, demand ko supply ko, then consumers will bear a greater burden of the tax than producers. This is shown in the diagram below. Let me recall ki humne aaj se pehle jo lectures the usme kaun kaun si baatein discuss ki thi. Ek ग्राफ में आपके साथ शो करना चाहूँगा, और ये वो ग्राफ है, अगर आप इसको फॉलो कर सकें तो ये वो ग्राफ। इसमें टैक्स के हवाले से बात की जा रही है कि अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो ग्राफ नंबर वन लिखा हुआ है। इसमें जो बायस का इंसिडेंस कहते हैं बर्डन को, दारूण की बात है, तो जो बायस का इंसिडेंस था उसका एरिया आपको दिखाया जा रहा है। अगर यही डिमांड या डिमांड कर्व इलास्टिक होगा तो बायस का इंसिडेंस कम हो गया। दूसरी तरफ इसमें सप्लायर का टैक्स इंसिडेंस, सप्लायर का टैक्स बर्डन दिखाया जा रहा है। इसी तरह से इलास्टिक सप्लाई के बारे में बात की जाए तो आप यहां से समझ सकते हैं, इसको भी आप रिकॉर्ड की चीजें हो रही हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड करके इसकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वही डायग्राम्स है जो अब इस्तेमाल हो रही हैं आपके क्वेश्चन पे, और काफी सारे बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था जो मुझसे पूछा गया था। तो मैं वापस आता हूँ और ग्राफ में बता दिया, उसको लेक्चर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये ग्राफ हमें समझना काफी आसान हो जाएगा। कंज्यूमर्स विल बियर अ ग्रेटर बर्डन ऑफ द टैक्स देन द प्रोड्यूसर एंड दिस इज शोन इन द डायग्राम बिलो। और इसमें आपने क्या किया है, एरिया वन को दिखाया है कि कंज्यूमर ने ये जो बर्डन है ये ज्यादा बर्डन बियर किया एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। शाबाश। अब एरिया वन एरिया टू इज अ टोटल टैक्स रेवेन्यू, ये बात आपको पता है, तो थोड़ा सा तेज में चलूंगा। एरिया वन विल बिकम बाय कंज्यूमर्स वेल एरिया टू विल बी बॉर्न बाय प्रोड्यूसर्स। ये बताना जरूरी है, ग्राफ लिखना और ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब तक आप उसको इंटरप्रिटेशन के तौर पर ना लाएं, उसको लिखें ना, तब तक एग्जाम को पता नहीं लगेगा और आपने ऐसे स्टाइल जो फॉर्मेट है उसको फॉलो ही नहीं किया होगा। ठीक है जी। सो वाइल एरिया टू विल बॉर्न बाय द प्रोड्यूसर्स वी कैन सी here that a more inelastic demand relative to supply results in area one being larger than area two. The same is true conversely, its demand is more price elastic than supply. छोटी छोटी अंग्रेजी बहुत बेहतर होती है, आपने लंबे लंबे सेंटेंस लिखने हैं तो देखें इसमें इस्तेमाल हो रहा है the same is true conversely। कुछ बातें हैं जो आपने सीखनी है, सीखने में कोई चीज बुरी नहीं होती, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, प्लीज सीख लिया करें अगर आपको चीजें नहीं आती हैं। तो आगे चल रहे, then area 1 will be smaller than area 2 and producers will bear most of the tax. This is shown in the diagram below. ab isme converse hawale se baat ki gayi hai aur aaj area 2 jo usme bataya gaya ki producers ka aaj impact incident zyada hai to wo is tarah se zyada dikhaya gaya hai is graph ke through. iske baad ab baat karte hain income elasticity of demand ki, to khayal rakhiye humne pd ke do graphs ko istemal kiya aur dono graphs ke sath humne demand ko inelastic dikha ke show kiya. अब हम वाई डी के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ मैंने आपसे पूछना है इस पैराग्राफ के बाद पूछूंगा, तो प्लीज साथ साथ रहिएगा क्लास में, तकरीबन कुछ 5 मिनट और आपको मजीद दूंगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो रेलिवेंट इन सम वेज, रेलिवेंट प्रोपोर्शन, वो जो आपसे पूछा गया था कि प्रपोज करने जा रही है पीडी और वाई डी किस तरह से रेलिवेंट होगा, इस हवाले से इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। नॉलेज ऑफ पेट्रोल्स वाई डी विल टेल अस हाउ द सोसाइटी व्यूज इट either as a normal or as an inferior good. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हम ये मान चुके हैं या हम इसको ये शो कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो नॉर्मल गुड है, तो क्या आप में से कोई ग्राफ बना सकता है
तो क्या नॉर्मल गुड का ग्राफ आप लोगों को आता है? तो क्या नॉर्मल गुड में तीन ग्राफ्स आपने बनाए थे, कौन कौन से थे? सॉरी वाईडी में आपने तीन ग्राफ्स बनाए थे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, पहला था नॉर्मल गुड का, दूसरा था इन्फीरियर गुड का और तीसरा था अनरिलेटेड गुड्स का। बातें याद आ रही हैं? उसमें जो पहला ग्राफ था वो यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर मैंने वो ग्राफ नहीं रखा है, आप चाहें तो उस ग्राफ को भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। कहा है ना किसी ने, मैंने कहा कुछ डायग्राम्स आर लाइक फ्लावर्स, नोबडी हेट्स फ्लावर, तो आप लोगों को शायद पसंद हो फ्लावर्स और बहुत कम बच्चों को ना पसंद हो, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप डिकोर कर सकते हो अपने आंसर को डिकोर करो और सही ये खूबसूरती आपने आंसर्स की, ट्रस्ट में ऐसे ही है। और एग्जाम्स में और एएस इकोनॉमिक्स में ग्रेड्स का लाना मुश्किल होता है, उसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो बच्चा इग्नोर कर देता है, वो अपने ओ लेवल्स स्किल्स के साथ जो जैसे भी थे वो सीधा आ जाता है, वो चाहता है कि वो एएस का एग्ज़ाम दे दे। ऐसा नहीं होने वाला, आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा हाइप पे कहीं हूँ, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपने आप को अपने स्किल्स सेट को बढ़ाएं ताकि आप एग्ज़ाम्स अच्छे दे पाएँ। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, पेट्रोल क्वाइट ऑब्वियसली इज ए नॉर्मल गुड, थस एज इनकम राइजेस ए डिमांड विल राइज टू। यहाँ पर आप वो ग्राफ बना सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट द डिमांड फॉर पेट्रोल इज एवर इंक्रीजिंग एज हाई कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज अ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज एन इंडिकेटर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट फर्मली एंड इमीडिएटली। इंक्रीजिंग टैक्सेस नाउ इन दिस लाइट अ राइट मूव, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब है कम कर देना, नाउ टू ऑफसेट और सॉफ्टन द इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन इन द फ्यूचर। इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आपका स्टांस सब वो बता दी, इन माई व्यू, इन आर ओपिनियन, ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है? इन माई ओपिनियन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वर्ड्स बड़े पोलाइट हैं, हम्बल हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर किया करें, ताकि आपकी एक जो फर्म पॉलिसी है, आपका स्टांस क्या है, आपका आपकी वैल्यू जजमेंट क्या है, वो जाहिर हो सके एग्जामिनर पर। द पॉजिटिव वाईडी आल्सो मींस दैट एज इनकम राइजेस द डिमांड फॉर पेट्रोल विल राइज एंड द इंप्लिकेशंस ऑफ दिस दैट द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोल विल राइज टू, थस द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज स्टेबल। अब आ रहे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि सर वो चार लाइन्स लिखनी है तो पांच लाइन्स लिखनी है तो भाई छह लाइन्स लिखनी है, कम अज कम भी एग्जामिनर आपको दो से तीन मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा चार मार्क्स दे सकता है अगर आपने कंक्लूजन लिखा, और बिल्कुल नहीं लिखा तो वो चार मार्क्स ऐसे माइनस कर देगा, पता ही नहीं लगेगा इस तरह करके। तो प्लीज कंक्लूजन लाजमी लिखा करें, जैसे तैसे लिखा करें, लिखें, घबराएं ना, कोशिश करें कि कंक्लूड करें उसे। हाउएवर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीडी एंड वाईडी आर रादर लिमिटेड एंड अनरिलायबल टू सम डिग्री। यहाँ पे कहीं कहीं लिमिटेशंस आ रही है, इसकी लिमिटेशंस आ रही है पीईडी वाईडी की। यहाँ पर आपका वो जो लेक्चर वाला काम है जो आपने याद कर रखा है, जो आपने रिसर्च में काम कर रखा है, वो काम आ रहा है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीईडी एंड वाईडी आर रादर लिमिटेड एंड अनरिलायबल टू सम डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ उस पर, बोथ द पीईडी एंड वाईडी आर कैलकुलेटेड यूजिंग अ सैंपल पॉपुलेशन सेक्टेड के लिए सैंपल एंड एज सच विल बेयर स्टैटिस्टिकल इन एक्यूरेसीज। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। द रिजल्ट फ्रॉम अ सैंपल मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन एंड एट टाइम्स इट मे इवन बी मिसलीडिंग। कुछ और बातें अगर हैं तो वो भी मैं डिस्कस कर दूँ। Also, the calculations are based on assumptions of ceteris paribus. Ceteris paribus की definition याद है हमें, all the factors remain constant. ठीक है? However, in real life things do change and at a fast rate. Thus, such information becomes very outdated very fast. Outdated का मतलब यहाँ पर ये है कि पेट्रोल आज के जमाने में अगर हम बात कर रहे हैं उसको नॉर्मल गुड मान रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 20-30 साल के बाद पेट्रोल को नाम लेने वाला ना हो। यहाँ पर सोलर पे बात चल रही हो, इलेक्ट्रिक पे बात चल रही हो, टेस्ला जैसे जो चीज़ें आ रही हैं और गाड़ियाँ ऐसे आ रही हैं उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो सकती है। फटाफट बता दें कितने बच्चों को समझ में आ गया पूरा पूरा क्वेश्चन 12 मार्क्स का, यस लिख दीजिएगा। 12 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है जी। बीगन वाले बच्चे कुछ थोड़ा सा, सिटी वाले बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाईब्रो कर रहे हैं, कुछ टीसीआर के भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बेहतर है बेहतर है। तो ये आपके पास काम था, आज का काम आपका क्या है भाई? अभी अफ्तारी में टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लें, कोई बात नहीं, इसके बाद टाइम निकाल लीजिएगा। कैटेगरी 4 हमने डिस्कस करी है, मैं इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसका लिंक भेज दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा,
कहीं यूट्यूब पे होगा, कहीं भी होगा, लिंक आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगी, आपका काम क्या है। सर इस क्वेश्चन को एक दफा पढ़ने के बाद डिस्कशन आपने कर ली, आपको क्वेश्चन मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इसके बाद आपको तसल्ली के साथ टाइम निकालना है, कोई आधा घंटा, हाफ एन आवर, 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स, सही है, सुकून के साथ बैठें और कोशिश ऐसी करें कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों का मसला है एग्जाम फेयर, अब तक वो भी नहीं पता क्योंकि हमने कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया एग्जाम फेयर। तो भाई एग्जाम का फेयर भी होता है प्रेशर, जैसे आप कहते हैं ओ हो सर भूल गए, याद ही नहीं आ रहा, लिखने के लिए बैठे याद नहीं आ रहा कि क्या लिखना था, कहाँ से स्टार्ट करें, इस किस्म की बेवकूफ ना हरकत ना करें। हाँ वाकई रोज है सही मैंने पकड़ा कि तो प्लीज जिसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।